सिंगरौली में नवनियुक्त विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में कराया गया। कार्यक्रम में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक रामलल्लू वैश्य सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की है। सिंगरौली जिले में नवनियुक्त विकास अधिकरण अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में किया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस माजन मोड़ के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण परमार, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य समेत भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान नवनियुक्त प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उस पर पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन में प्रगति देखी गई है। सही बात है, सारे समाज एक बहुसंख्यक सिंगरौली में उपस्थित है। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा चेहरे पर विश्वास किया है, उस समाज से विश्वास किया है, तो हमें भी बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया है कि आपने कम से कम ऐसे व्यक्ति को, इस समाज के व्यक्ति को पहचाना है और मुख्यमंत्री के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया है। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा हमारे जिले के अंदर आएगी, जिससे हमारी पार्टी को भी बहुत फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।